तो कैसे हो दोस्तों, बात करते हैं राजवीर फिटनेस वर्सेस एजाज खान के लफड़े के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो एजाज खान के दोस्त प्रदीप ढाका, जिन्होंने एजाज खान के साथ वीडियो बना के राजवीर फिटनेस और उनके दोस्तों को चैलेंज कर दिया था, इसके बाद राजवीर फिटनेस के भी दोस्तों ने उन्हें ओपन चैलेंज कर दिया था कि हम आ रहे, और जो डेट डिसाइड हुई थी 10 अगस्त यानी कि कल ही, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है राजवीर फिटनेस की टीम और एजाज खान की टीम के बीच में हमें लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं मुंबई के अंदर, क्योंकि दोनों की टीम ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लोग आ रहे हैं मुंबई। तो इस चीज के ऊपर जो प्रदीप ढाका जाट है, जो एजाज खान के दोस्त है, उन्होंने भाई दोबारा से रिप्लाई किया राजवीर फिटनेस एंड उनके दोस्तों को, क्या कुछ कहा देखिए आप लोग। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? दो चार ठटे थे, बहुत ज्यादा हवाबाजी कर रहे थे, तो मैं स्पेशल मुंबई से दिल्ली आया हूँ। देखता हूँ 10 तारीख को क्या करेगा वो, कितना बड़ा मर्द है और कितना माँ का दूध पिया, मिलने आता है नहीं आता है। मैं अपने सारे काम छोड़ गया मुंबई में, और मिलते ठटेरो 10 तारीख को, और भी जितने भी सारे ठटेरे वे भी आ जाना। तो हाँ भाई, अभी लफड़ा खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं 10 अगस्त को क्या होता है। अगली न्यूज में बात करते हैं, क्या लव कटारिया की गर्लफ्रेंड आचना, उन्होंने एलविस यादव को छपरी बोल दिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब बेसिकली होता ये है कि ट्विटर पे लव कटारिया की व्लॉग की एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे भाई लव कटारिया की गर्लफ्रेंड एलविस को छपरी बोल देती है एंड इसके बाद में वो लव कटारिया को कहती भी है कि इस क्लिप को काट देना, लेकिन लव कटारिया भाई काटना ही भूल जाते हैं। क्या कुछ हुआ उस क्लिप में देखिए आप। लाइव माया करती है, एपिसोड माया करती है, एपिसोड में तो शायद लाइव में ज्यादा दिखाते थे ना, एपिसोड में ये सब इतना नहीं दिखाते थे कि बारिश वारिश आ रही है आ रही है। एपिसोड में तो मिर्च मसाला आता था ना। यार इस बार पर मैंने देखा कि इस बार ही लाइव में 3 ऑप्शन नहीं दे रखे थे, जैसे लास्ट टाइम बेडरूम का अलग था, बाथरूम का अलग था, वैसे था। इस बार ही बस सिंगल लाइव चल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता भी है, पर चलो कोई बात नहीं, everything was good। अब इसको ड्रॉप करके निकलते हैं भाई, बारिश तो बहुत तगड़ी खतरनाक। अब जैसे ये क्लिप वायरल हुई, बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं ये जो कटारिया है ये तो गद्दार है, एंड एक बंदे ने कहा कटारिया अपनी गर्लफ्रेंड को समझा ले कि हद में रहे, एंड ये पूरा इंटरनेट पे वायरल हो गया। आप क्या सोचते हो इस बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं।